अस्सलाम वालेकुम। मेरे यूट्यूब चैनल मिसबा किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चिकन कलेजी, वो भी मैं तवे पे बनाऊँगी। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए बनाते हैं। तवा हमारा गर्म हो गया, थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ऑयल भी हमारा गर्म हो गया, अब कलेजी डाल दें। इनको हल्का हल्का सा मिक्स करें। आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, हल्का सा नमक डाल दें। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, आप इस तरह भी खा सकते हैं। थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के, जिनमें ब्लड की कमी हो ये ब्लड की कमी को भी पूरा करती है। तो चलिए अभी मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ी देर के लिए। तो फिर इसके लिए मैं मसाला बनाती हूँ, आंच बहुत तेज़ नहीं करनी। थोड़ा सा ऑयल डालें, मीडियम साइज़ का एक प्याज बारीक काट के डाल दें। हमें ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस हल्का सा ब्राउन करना है। हाफ स्पून जीरा डाल दें। हाफ कलेजी को भी चेक करते रहें, बस जल ना जाए। कर दें दोबारा, आज हमारा ब्राउन हो रहा है। अभी थोड़ा लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें। तो चलिए अभी खुश्क मसाले डालते हैं। हाफ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाल दें, थोड़ी सी हल्दी डाल दें, हाफ टी स्पून सूखा धनिया डाल दें पिसा हुआ, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। मिक्स करें, मसाले हमारे पके हैं। अब एक टमाटर और एक सब्ज मिर्च काट के डाल दें। थोड़ा सा पानी डाल दें हमारे मसाले जले ना, हम इतना पकाएंगे कि हमारे मसाले और टमाटर बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं। देखिए हमारे टमाटर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से गल गए। तीन सब्ज मिर्च डाल दें, थोड़ा सा धनिया डाल दें, मिक्स करें। तो देखिए हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है। आंच बंद कर दें, अब कलेजी को चेक करते हैं। कलेजी भी हमारी पक गई है, उसको बहुत हल्की आंच पे मैंने पकाया है। तो चलिए मसाला डालते हैं अब इसके ऊपर, थोड़ी सी काली मिर्च डालते हैं। अब सारा मसाला ऊपर डाल दें, तो देखिए हमारी कितनी मज़ेदार चीज के लिए भी बन के तैयार हो गई है। एक दो मिनट मसाला डाल के हम इसको पकाएंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थोड़ा सा धनिया डाल दें। तो हमारी तवा कढ़ाई बन के तैयार हो गई है। तो आँच अभी बंद कर दें। देखिए हमारी मज़ेदार सी तवा कलेजी बन के तैयार हो गई है।
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होंगी, मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।